कोरोना महामारी के कारण उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में 15 फरवरी तक सभी स्कूल बंद रहेंगे। इस संबंध में शासन द्वारा आदेश जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग आईपीएस कैडर के 24 पद और बढ़ गए हैं। वर्ष 2014 के बाद अब कैडर रिव्यू हुआ है, जिसके तहत यह पद बढ़े हैं। केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत अब प्रदेश में आईपीएस संवर्ग के 541 पद हो गए हैं। सरकार आज विमानन कंपनी एयर इंडिया को टाटा समूह को सौंप सकती है। 8 अक्टूबर 2021 को सरकार ने प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के बाद 18,000 करोड़ रुपए में एयर इंडिया को टेलेस प्राइवेट लिमिटेड को बेच दिया था। देश में वैकल्पिक और नई ऊर्जा के स्रोतों को बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार बजट में अपने खजाने खोलने की तैयारी में है। वित्त मंत्री अगले हफ्ते पेश किए जाने वाले बजट में उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना यानी पीएलआई स्कीम का दायरा बढ़ा सकती हैं। झारखंड में गिरिडीह के पास नक्सलियों ने ब्लास्ट कर रेलवे ट्रैक उड़ा दिया है। हावड़ा गया दिल्ली रेल मार्ग पर ट्रेनों का आवागमन रोक दिया गया है। कुछ ट्रेनों को रूट बदलकर परिवर्तित मार्ग से चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर शोपियां के नौगाम इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज को ट्विटर से शिकायत किया कि मेरे ट्विटर फॉलोअर्स की वृद्धि को अचानक रोक दिया गया। जहरीली शराब पीने से बिहार के बक्सर के अमसारी गांव में 6 लोगों की मौत हो गई। देश में पिछले 24 घंटे में 286,384 नए संक्रमित मिले हैं और 573 लोगों की मौत हो गई। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भारत में असहिष्णुता बढ़ रही है, इतना ही नहीं नागरिक राष्ट्रवाद की जगह सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। हामिद अंसारी ने यह बातें गणतंत्र दिवस के मौके पर वॉशिंगटन में आयोजित वर्चुअल इवेंट में कही। हामिद अंसारी ने जिस मंच से ये बात कही है उस पर देश में दंगे भड़काने और ISI से लिंक का आरोप है। यूपी के मुरादाबाद में 3 दिन के अंदर अखिलेश यादव के 2 विधायक साइकिल से उतर गए। 3 दिन पहले कुंदरकी के सपा विधायक हाजी रिजवान एसपी को छोड़कर हाथी पर सवार हो गए थे, तो देहात के विधायक हाजी इकराम कुरैशी ने भी सपा को अलविदा कह दिया। दोनों मौजूदा विधायक टिकट कटने से नाराज थे। बहुजन समाज पार्टी ने यूपी चुनाव में मुरादाबाद नगर सीट के उम्मीदवार को फिर बदल दिया। अब फिर इरशाद हुसैन सैफी को बसपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए बीजेपी और सहयोगी दलों में सीटों को लेकर बंटवारा हो गया है। बीजेपी सहयोगी पार्टियों को ज्यादा सीटें देने पर राजी हो गई है। बीजेपी अनुप्रिया पटले के अपना दल को 17 से 18 सीटें देने पर राजी है, जिनमें से 7 सुरक्षित सीटें हैं। इसी तरह निषाद पार्टी 14 से 15 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिनमें से 5 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। Subscribe Aviral Times for latest news update and press the bell icon to get all the latest video update.